नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ। आप जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं, इस वक्त मैं पुंछ के इस्लामाबाद गांव में मौजूद हूं। आपको बता दूं, इस गांव का नाम भी इस्लामाबाद है और यहां पर कुल जो है, जिस तरह मैंने इनसे बात की तो उनका कहना है कि 1000 लोग यहां पर, अगर इस गाँव की बात करें तो 1000 लोग यहां पर रहते हैं लगभग, अगर बात की जाए। और क्या पेशे हैं इनके और किस तरह यहां पर रहते हैं। और अगर एक और बात आपको बता दूं, यहां पर इनका जिस तरह बात करें एग्रीकल्चर है, और जिस तरह यहां पर फ्रूट्स की बात करें आप देख सकते हो यहां पर इनके जो खेती बाड़ी, और जिस तरह यहाँ पर फ्रूट्स पे ये निर्भर रहते हैं, इनके बिजनेस हैं फ्रूट्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेब और अलग अलग फ्रूट्स जो हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। लगभग ये जो लोग हैं इन पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर कुछ दुकान भी है, वहाँ पे जाते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद के, कुछ यहाँ के रहने वाले, उनसे जानते हैं उनके गाँव के बारे में और क्या खासियत है इस गाँव के बारे में, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शहजाद खान है। जी, अपने गांव के बारे में कुछ बताएंगे, जो आपका गांव है इस्लामाबाद, कुछ खास बात अपने गांव की, और कब से रह रहे हैं आप? मेरी 25-26 साल एज हो गई है जी। इस गांव का नाम इस्लामाबाद है। तो यहां पहले बॉर्डर एरिया था ये जी। तो यहां साईं बाबा की ज़ियारत की वजह से यहां रोड लग गई, तो जिसकी वजह से ये जो है गांव अच्छा बन गया। तो उससे पहले रोड नहीं थी यहां पर? तो लगभग कितने साल हो गए इस रोड को बने हुए? इस रोड को कम से कम 20 साल हो गए जी। तो 26 साल मेरी एज है। तो आप क्या करते हैं? जी, मैं गाड़ी का काम कर रहा हूँ। अच्छा। जी, जिम्मेदारी कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे लगभग लोगों की बात की जाए तो किस तरह का उनका बिजनेस रहता है या किस तरह के उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रहती है? यहाँ के लोग ठीक ही हैं, घर का काम कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, तो कुछ भाई ऐसे ही चल रहे हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम जानना जी? मोहम्मद नियाज राठौर। और आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। हमारे गांव में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब भी होती है तो हमें पाक भारत जो शेलिंग है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है। तो इस गांव में पड़ते हैं, शेलिंग होती है, गोलीबारी पड़ती है? पड़ती है, अभी जो जस्ट तकरीबन 10 दिन हो गए, उससे पहले भी पड़ी थी। तो इधर हमारे इस मोहल्ले के अंदर फर्स्ट टाइम, जब से हमारी संभाल है तो फर्स्ट टाइम में पड़ी थी उसको। तो जब पड़ी, क्या किस तरह दहशत था यहाँ पर, और किस तरह आपने जो है बचने की कोशिश की? क्या यहाँ बंकर्स बने हुए हैं, किस तरह फिर आपने? हाँ, बंकर्स जो बने हुए हैं अभी तक, तो इस्लामाबाद के अंदर कभी तक कोई नहीं बना, क्योंकि इसको एक्चुअल जो लाइन है LOC, वो इसमें नहीं आती थी वो पहले। अब वो हमें इस शेलिंग जो पड़ी है, वो फर्स्ट टाइम पड़ी है इधर हमारे इस इस्लामाबाद के अंदर। तो वो हमें थोड़ी दहशत तो होती है, क्योंकि साईं बाबा ज़ियारत है, वहाँ पर लोगों का आना जाना होता है बहुत ज़्यादा। तो इस सबसे बड़ी हमें इधर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर जब शेलिंग होती है तो उस दौर के अंदर हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं होती है, और बाई दिवर कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। अभी जस्ट तकरीबन 10 दिन पहले हमें एक बच्ची इंजर्ड हो गई, तो साथ में उसका पापा भी था। तो फिर उसको हमने क्या किया कि अपने बाइक पे यहाँ से उसको हमने हॉस्पिटल में पहुँचाया। सबसे बड़ी दिक्कत वो होती है। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल या मेडिकल हेल्थ सेंटर की बात कुछ है इस तरह की सुविधा? मैडम, वो पहले तो है नहीं है, जो होती भी है तो वो बड़ा नाम ही होती है, मतलब इतनी सुविधा उसमें नहीं होती है। वो हमें यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पड़ती है सिटी, तो उस उधर जाना पड़ता है हमें। अगर एजुकेशन की बात की जाए, पढ़ाई, कोई स्कूल है यहाँ पर बच्चे पढ़ने? एजुकेशन तकरीबन अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसमें भी ये है कि जो हमारा स्टाफ है वो मैक्सिमम जो सिटी से आता है, तो वो जो यहाँ के लोग हैं वो भी सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो भी पाक बारे शेलिंग की वजह से ज़्यादा, क्योंकि डिस्टर्बिंग होती है तो शेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं इस गांव में प्रॉब्लम। और ये जो मैंने देखे कि काफ़ी फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, अक्सर लगते हैं, लगाए जाते हैं ये अच्छे हल हर साल होते हैं, बट इसमें होता है कि कभी कभी वो ओले पड़ जाते हैं, उसके वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो और ठीक है, अच्छा। ये हमारा कौन कौन सा फल ज़्यादा यहाँ पर लगता है, जो लगाया जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा तो ये इसमें आप देख सकते हैं, प्लम हो सकती है, उसके बाद नाशपाती होती है, उसके बाद होते हैं अपना सेब होता है। हाँ जी, ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अभित राठौर। कौन सी पढ़ते हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 10th। 10th में? तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं 10th में? अभी देने या दे चुके हो? अभी देने। तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है अभी। अच्छी चल रही है। हाँ। कोई दिक्कत आती है स्कूल में? टीचर्स अच्छी तरह पढ़ाते हैं? सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सिटी में? प्राइवेट स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो यहाँ से कितने दूर है लगभग? 25 किलोमीटर। तो रोज 25 किलोमीटर अप एंड डाउन? ये वेकेशन में हूँ यहाँ पे। अच्छा, वेकेशन में, फिर वहाँ पे चले जाते हो पढ़ने के लिए? तो अच्छा लगता है अपना गाँव? अच्छा लगता है जब छुट्टियों में आते हो, खेलते हो, अच्छा लगता है।
आपका नाम कैसे? मुश्ताक अहमद। क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं, घर के काम करते हैं। घर के काम? खेती बाड़ी का बस। खेती बाड़ी। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? इधर को बचपन का, इधर ही है। बचपन में घर के काम करते हैं, मवेशी का काम। तो जब से आप यहाँ पर हो, आपको कोई दिक्कत जो यहाँ पर आती है रहने में? दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि इधर गवर्नमेंट का खास कुछ ध्यान नहीं, क्योंकि अस्पताल नहीं और अगर पीछे काफ़ी सहूलत नहीं, क्योंकि गांव में लोगों को कोई परेशानी आ जाती है किसी को, उसमें कख नहीं होता, इधर स्टाफ नहीं पूरा होता, ना सेंटर होता, ना उसमें आगे पीछे काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है। और जहाँ खेती बाड़ी की बात करें तो किस तरह का काम काज आपका रहता है? क्या जितना करते हो उतना कमा पाते हो कि नहीं? उस अगर कहाँ होता है कि इधर एंड हो जाती है फसल, जो गिर जाते हैं, ये प्लांप होता है, सेब होता है, इसमें क्या है कि काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्या है कि आम गवर्नमेंट का ध्यान कम होता है ना, खेती बाड़ी हम घर के काम करते हैं बस। तो जब यहाँ पे फल वगैरह पक जाते हैं तो कहाँ पे जाकर बेचते हो आप आगे? इधर ले जाते हैं हम, आ जाते हैं ना व्यापारी, आ जाते हैं। अच्छा, इधर ही आ जाते हैं व्यापारी? उनके साथ दे देते हैं हम इधर से। तो और कोई दिक्कत जो यहाँ पर आती हो आपको? और कुछ नहीं, इसमें बाकी अच्छा है। कोई खास बात आपके गाँव की जो आप हमें बताना चाहते हो? रोड शोड का थोड़ा है मसला, रोड नहीं है इधर, क्योंकि देहात है ना, देहात में रोड नहीं, रोड होनी चाहिए, जो और स्कूल जो हैं, चलो सेंटर होना चाहिए, जैसे आंगनबाड़ी सेंटर है, दूसरा होते हैं ये अस्पताल का आता, एम्बुलेंस ने घड़ी नहीं इधर, क्योंकि किसी को लग जाती है, चोट को पड़ जाती है, कख नहीं होता इधर इलाज को, कम खास नहीं, पुंछ जाना पड़ना था, पुंछ काफ़ी इधर टाइम लगता है, 20-25 किलोमीटर है, जाना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद गांव की बात करें तो इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? यूस्टा। यूस्टा राठौर। कौन सी क्लास में है? सिक्स्थ में। सिक्स्थ में। तो कैसा लगता है ये गांव, कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे बचपन से। बचपन से जी हाँ। तो मम्मा पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? वो PHE में। PHE में जी हाँ। तो कैसा लगता है इस गाँव में? अच्छा। स्कूल कहाँ पे आपका? दूर है, पास में? पास ही में। पास में जी हाँ। तो कोई मैसेज जो आप देना चाहो, कोई प्रॉब्लम होती है इस गांव में आपको अगर बात करें, डर लगता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। जब शेलिंग होती है तब लगता है डर? जी हाँ लगता है। तब क्या करते हो फिर? क्या करेंगे, छुप जाते हैं। छुप जाते हो? जी हाँ। तो स्कूल रोज़ आते हो? स्कूल कितने दूर है? पास ही में है। पास में है जी। कोई TV देखते हो, गाना सुनते हो कुछ? जी हाँ। गाना आता है कोई? कोई भी है गाना? नहीं नहीं। कुछ और, कुछ कोई गाना जो आपको पता हो, आपको आता है? आपका नाम क्या है? आता है वो। कोई गाना आता है आपको? ना आती है कुछ गाना? और कुछ जो आपके रिलीजियस का कुछ हो जो आप सुनाना चाहो? पोइम आती है? बोल, आपको आती है? आपका नाम? फातिमा। फातिमा, फातिमा सो फिर सुना दो, क्या आता आपको? बोलो बोलो, कुछ नहीं होता। जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग नाइन नो पापा, अपन योर मत हा हा। वाओ, आपको आती पोइम कोई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदीशा। तो कौन सी क्लास में आप? थर्ड। थर्ड में। तो कोई गाना या कोई पोइम कुछ आता है आपको? नहीं। स्कूल जाते हो रोज? अच्छा लगता है स्कूल जाना? हाँ। लगता है? रोज खेलते हो शाम को, कैसे टाइम पास होता है यहाँ पे? खेल के। खेल के? और क्या करते हो? पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हो? थोड़ा ही। थोड़ा सा जी हाँ। अच्छा, कोई मैसेज जो हमारे दर्शक आपको TV पे देखेंगे तो उनको कोई मैसेज देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? क्या कुछ भी अपने गांव के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, हम जून जुलाई की छुट्टियाँ में रोज़ आते हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है, खेलते हैं, पढ़ते लिखते, घूमते हैं, बहुत मज़ा आता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह हम आपको यहाँ पे इस्लामाबाद गांव में और जिस तरह हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिस तरह लोगों का कहना है कि एक रोड कहीं ना, जब पहले यहाँ पर रोड नहीं थी, पर जब उसके बाद जो है यहाँ पे दरगाह जो बनी उसके बाद यहाँ पर रोड की डेवलपमेंट हुई, रोड बनी, तो उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एक लोगों का ये भी कहना है कि अगर हेल्थ सेंटर की बात करें यहाँ पर, उस तरह की एक फैसिलिटी यहाँ पर लोगों को नहीं, अगर कोई बाई चांस बीमार हो जाए तो उनको काफ़ी दूर जो है पुंछ की मेन मार्केट में जाना पड़ता है और वहाँ जाकर जो है फिर जाकर इलाज यहाँ पर होता है। तो हमको मैंने दिखाया है कि ये कोई पाकिस्तान का
नहीं है, हमारे इंडिया का एक इस्लामाबाद गांव है जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पड़ते हैं। और जिस तरह हमने लोगों से बात की, अगर लोगों जिस तरह ने बताया यहीं पे आ जाते हैं, अगर सेब की बात करें यहाँ सेब लगाते हैं, पन लगाते हैं, नाशपाती जो है यहाँ पर उगती है, तो इस तरह का व्यापार इनका यहाँ पर खेती बाड़ी का रहता है और इस तरह का इनका रहना सहना। और बच्चों की बात करें, ज़्यादातर यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो बाहर जाके पुंछ में ही पढ़ रहे हैं, बाहर सिटी में ही पढ़ रहे हैं और छुट्टियों में जो है यहाँ पर वेकेशन जो अपनी मनाने के लिए आते हैं। तो अगर ब्यूटी की भी बात की जाए इस्लामाबाद की, तो यहाँ पर देखते ही बनती है, सामने पहाड़ आप देख सकते हो और जो फ्रूट्स, जिस तरह उन्होंने बताया कि उनका काम काज जो है खेतीबाड़ी में रहते हो, जो फल यहाँ पर लगते हैं वो आप देख सकते हो। तो उसी के साथ अगर हम बात करें, सनसेट आपके सामने इस वक्त पहाड़ों के बीच इन लोगों की, जिस तरह हम शहर से दूर इनके एक पहाड़ों में एक अपनी ज़िंदगी जो है बस्ती और जो काम काज खेती बाड़ी पर इनका रहता है, एक अपनी ही इनकी ज़िंदगी होती है। तो इस वक्त मैं आपको इस्लामाबाद के गांव से यहाँ पे विजुअल्स दिखा रही थी, उनका रहना सहना और किस तरह वो जो अपनी ज़िंदगी है इन पहाड़ों के बीच में, इस्लामाबाद एक छोटा सा गाँव जो पुंछ में पड़ता है, यहाँ पर किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे। इसी तरह हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि आप तक इसी तरह के गाँव और अलग अलग जगहें जो हैं हम आप तक पहुँचाते रहें। मुझे और पूरी टीम और मेरे कैमरामैन दीपक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।